हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट वॉल्यूम फॉर क्रेडल इन एचपीसी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो पाइप होता है, ठीक है, उसमें जो क्रेडल होता है उसकी जो क्रेडल की क्वांटिटी, ठीक है, कि उसमें कितना कंक्रीट आएगा वो कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हम वही सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कई लोगों की कमेंट आई थी कि सर क्रेडल की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ठीक है। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा पहला वीडियो रहेगा क्रेडल की क्वांटिटी निकालने का, ठीक है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हर नए नए वीडियो की मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर क्रेडल की क्वांटिटी निकालना है तो आपको सबसे पहले पाइप का डायामीटर जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरे पाइप के डायामीटर का ही खेल है, ठीक है। आपके पास पाइप का डाया कितना है उसी के हिसाब से जो क्रेडल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होती है वो निकलती है, ठीक है। स्मॉल डी हमारा इनर से इनर डायमीटर है, ठीक है, और कैपिटल डी हमारा आउटर से आउटर डायमीटर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होती है, ठीक है, वो पाइप के एक चौथाई भाग की हाइट पर होती है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला है 0.3 डी, ठीक है, जो पाइप के बेस से 0.3 डी तक आपको कंक्रीट की जो हाइट करनी पड़ेगी, जो आपका क्रेडल रहेगा वो इस हाइट तक रहेगा, ठीक है। इनर डायमीटर से आपने निकाला, अगर आपको आउटर डायमीटर से निकालना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा D/4, ठीक है, जो कैपिटल डी आउटर डायमीटर है उसका एक चौथा भाग, ठीक है, उस हाइट तक हमको क्रेडल की हाइट लेना है, ठीक है। ये हमारा 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो अगर हम 90 डिग्री लेंगे, 90 का डिग्री लेंगे, वो भी एक चौथाई भाग हुआ, ठीक है। तो जो हाइट हाइट तो हमने निकाल ली है, ठीक है, डायमीटर के थ्रू, ठीक है। और उसकी विड्थ कैसे निकालेंगे कि हमको कितनी विड्थ लेना है, ठीक है, उसके लिए फार्मूला होता है 1.6 डी, ठीक है। और ये डी कौन सा है, इनर डायमीटर का डी है, ठीक है। तो ये हमारी विड्थ हो गई। और लेंथ, लेंथ आपको साइड पे देखना होगा कि आपके पास कितनी लेंथ है, ठीक है। और ठीक है, चलिए अब हम क्वांटिटी निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पाइप लिया है, ठीक है, पाइप का जो इनर डायमीटर लिया है, ठीक है, 1.2 मीटर लिया है, ठीक है। तो अगर mm में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 mm का डाया हो जाएगा, ठीक है। और उसकी थिकनेस, जो पाइप की जो वॉल थिकनेस है वो हमारे पास है 120 mm की, तो ठीक है। तो आउटर डायमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1200 mm में 120 प्लस 120 करोगे तो हो जाएगा 1440 mm, मतलब कि 1.44 मीटर, ठीक है। अब हम इस हाइट को कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है, चूँकि हमने लिया कितना है, 1.2 मीटर का पाइप लिया है, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या था, 0.3 डी, और दूसरा फार्मूला क्या था हमारे पास, D/4। अब दोनों से कैलकुलेट करके देखो तो ये आ जाएगा 360 mm, ठीक है। अगर आप इसको मीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.36 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो सेक्शन ए लिया है, ठीक है, उसकी मैंने जो थिकनेस ली है वो 300 mm ली है, ठीक है। और ये हमारा विड्थ कितना था, 1.6 डी, इसको आप कैलकुलेट करके देखो, ठीक है, 1.2 डी की जगह वैल्यू पुट करके देखो तो ये आ जाएगा 1.920 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें इसको मैंने सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। इस सेक्शन को मैंने नाम दे दिया है ए, ठीक है, जो हमारा सबसे पहले कंक्रीट हमको इसी एरिया में कंक्रीट करना रहेगा, ठीक है। उसकी हमारे पास विड्थ है, हमारे पास कितनी है, 1.2 मीटर। थिकनेस मैंने यहाँ पर ली है उसकी 300 mm, ठीक है। और लेंथ, लेंथ आपको साइड पे देखना है कि कितना मीटर है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो लेंथ ली है वो है 10 मीटर, ठीक है। मैं 10 मीटर लेंथ के हिसाब से इसका वॉल्यूम निकालना आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हम सेक्शन ए का निकाल लेंगे, देन क्या करेंगे हम सेक्शन बी। मैंने इसके ऊपर जो क्रेडल वाला जो हाइट है इसको सेक्शन बी नाम दिया है, दोनों साइड को बी दिया है, मतलब दोनों साइड बी एक ही है हमारा, ठीक है। और उसमें से हमको क्या करना है, जो ये वाला जो मैंने रेड रेड लाइन में ये क्रॉस किया है, ठीक है, ये वाला सेक्शन हमको डिडक्शन करना रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालूंगा और फिर ये बी सेक्शन का पूरे का वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है। और उसमें से मैं करूँगा जो वाला, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसको जो भी उसका वॉल्यूम आएगा उसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा ये पूरा यहाँ का और यहाँ का दोनों का वॉल्यूम निकल आएगा, इस सेक्शन को अगर माइनस करेंगे तो हमारी जो क्रेडल की क्वांटिटी निकल आएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्रेडल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ए, ठीक है। फिर
फिर कोष्टक में लेना है वॉल्यूम ऑफ सेक्शन बी, उसमें माइनस करना है डिडक्शन ऑफ पाइप वॉल्यूम। ठीक है, हमको बी में क्या करना है, बी का वॉल्यूम निकाल के उसमें से ये वाला पाइप का जो सेक्शन है ठीक है उसका वॉल्यूम हमको माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ए। ठीक है, उसके लिए सीधा ही फार्मूला है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पर लेंथ मैंने एक 10 मीटर ली है। ठीक है, तो सभी वैल्यू में पुट कर देता हूँ, मेरे पास सभी वैल्यू है, लेंथ हमारे पास 10 मीटर है, विड्थ अभी हमने निकाली थी कितना 1.20 मीटर। ठीक है, और थिकनेस हमारे पास कितनी है, थिकनेस और हाइट ठीक है वो है 300 mm है। ठीक है, तो उसको मीटर में लिखा मैंने, कितना हो गया 0.3 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ तो ये आता है 5.76 m³। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके देखो तो ये 5.76 m³ हो जाएगा। ठीक है, अब ये मीटर क्यूब कैसे हुआ है, यहाँ पर मीटर 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, अब हमने सेक्शन ए का निकाल लिया है, अब हम सेक्शन बी, ये पूरा जो सेक्शन है पूरे बी सेक्शन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, सेम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ 10 मीटर है, विड्थ हमारे पास वही रहेगी 1.92। ठीक है, और जो हमारे पास थिकनेस रहेगी वो 0.360 है। ठीक है, कौन सी वाली थिकनेस है, वो ये है। ठीक है, हमने निकाला था। ठीक है, तो मीटर में हमने किया है, ठीक है, 0.360 मीटर। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये हो जाएगा 6.912 m³। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब ये वाला सेक्शन का वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, पूरे सेक्शन का वॉल्यूम निकाला है, अब हमको ये वाले सेक्शन को अब माइनस करना है। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम निकालना है, तो ये वाला जो वॉल्यूम हम निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है देख लीजिए, तो डिडक्शन ऑफ पाइप वॉल्यूम। अब हमको क्या करना है, डिडक्शन करना है किसका, पाइप का वॉल्यूम, कौन सा वाला सेक्शन का, ये वाले सेक्शन का। ठीक है, ये मैंने रेड रेड में डॉट किया है। ठीक है, ये वाले सेक्शन को हमको डिडक्शन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ पाइप, मैं जो मेरे पास जो पूरा पाइप था। ठीक है, मैं पूरे पाइप का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो पूरे पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इनटू लेंथ लिया है, मेरे को कितनी लेंथ लेना है, ठीक है वो 10 मीटर थी हमारे पास, तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो 3.14 पाइप का मान है। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है आर का मान मैंने लिया है 0.72। ठीक है, जो रेडियस है वो हमारे पास है 0.72। ठीक है, वो कैसे आपको मैं बता देता हूँ, हमारे पास टोटल डायमीटर कितना था 1.44, इसको आप 2 से डिवाइड करो तो ये निकल आएगा 0.72। ठीक है, तो यहाँ पे 0.72 का स्क्वायर हो गया इनटू लेंथ, लेंथ थी हमारे पास 10 मीटर, कैलकुलेट करोगे दिया जाएगा 16.28 m³। ठीक है, तो हमने ये पूरे पाइप का वॉल्यूम निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है अब हम निकालेंगे 1/4 भाग। ठीक है, पूरे पाइप का तो वॉल्यूम निकाल लिया है, अब मैं निकालूंगा यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम निकालता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ पाइप। ठीक है, 1/4 ऑफ पाइप करना है, तो हमारे पास पूरे वॉल्यूम कितना था पाइप का, वो था 16.28। ठीक है, उसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 1/4 पार्ट आ जाएगा मेरा, तो वो कितना आएगा 4.07 m³। अब हमने जो निकाला है, ठीक है हमने पाइप का ये वाले सेक्शन का वॉल्यूम निकाल लिया है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है इसका वॉल्यूम निकाल लिया है, ये था 0.72 और ये भी था 0.72। ठीक है, इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है ये हमारे पास एंगल कौन सा था 90 का। ठीक है, इसको सीधा करके मैं आपको तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, ये 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 7.2 है और ये भी 7.2 m है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राइंगल के शेप में बना लूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, आप ये वाले पूरे का वॉल्यूम तो है मेरे पास, इसका पूरा वॉल्यूम तो मैंने फाइंड कर लिया है, अब मैं इस ये वाला, ठीक है ये वाला कौन सा,
ये वाला सेक्शन अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ये 0.72 है, ये भी 0.72 है, ठीक है, और 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। इस सेक्शन को मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला जो टोटल इसका जो वॉल्यूम था उसमें से ट्रायंगल वाले वॉल्यूम को माइनस करूँगा तो मेरे पास ये वाला वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल सेक्शन ऑफ पाइप, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है ट्रायंगल सेक्शन का, ठीक है, तो आपको इस लेंथ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये वाली लेंथ है, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं एक्स, ठीक है। ये वाली लेंथ मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, उसके लिए क्या करना रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो उसके लिए आप ये वाली लेंथ फाइंड कर लोगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाली लेंथ निकाल लोगे, लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमको इस लेंथ की ज़रूरत रहती नहीं है। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। तो हमको ये वाली हाइट इसकी तो ज़रूरत रही नहीं, ठीक है। तो हम इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, तो सीधा यहाँ पे ट्रायंगल सेक्शन का उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल सेक्शन ऑफ पाइप हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट, और लेंथ हमको लेना है इंटू लेंथ, ठीक है। सभी वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, 1/2, ठीक है। बेस हमारे पास कितना था, ये वाला 0.72, और हाइट, हाइट भी हमारे पास 0.72 है, ठीक है। इंटू लेंथ हमको 10 मीटर लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। सभी को आप कैलकुलेट करके देखो तो ये हो जाएगा 2.592 m³, ठीक है। तो हमने ये वाले पूरे सेक्शन का, ये वाले सेक्शन का वॉल्यूम निकाला है, कौन सा, ये वाला वॉल्यूम निकाल लिया है, ठीक है। ये वाला सेक्शन है, इसका वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं। अब हमको किसका वॉल्यूम निकालना है, इस सेक्शन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। कौन सा वाला सेक्शन, जो हमारा नीचे वाला सेक्शन रह जाएगा, ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। हमने ये वाला वॉल्यूम तो निकाल लिया है, ये 90 का डिग्री बन रहा था, ये फाइंड कर लिया इसका वॉल्यूम, और पूरे का भी वॉल्यूम था हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला वॉल्यूम आसानी से निकल जाएगा। उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, डिडक्शन ऑफ पाइप वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ पाइप, ठीक है, जो कि हमने निकाला था, वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ पाइप, ठीक है। उसमें से माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल सेक्शन ऑफ पाइप, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ पाइप था 4.07, ठीक है, 4.07 हम वैल्यू पुट कर देते हैं, और ट्राइंगल सेक्शन अभी हमने निकाला था 2.592, ठीक है। कैलकुलेट करके देखो तो ये हो जाएगा 1.478 m³। हमारे पास कौन सा वॉल्यूम निकल आया, जो ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, वो हमने फाइंड कर लिया है, कितना आया था, 1.478 m³, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। कौन सा वॉल्यूम निकाल लिया है, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्रेडल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन बी में से माइनस करना है डिडक्शन ऑफ पाइप वॉल्यूम, ठीक है। सभी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ए हमने सबसे पहले कैलकुलेट करा था, वो कितना आया था, 5.76, ठीक है। अब कोष्ठक में है वॉल्यूम ऑफ सेक्शन बी, ठीक है, उसको भी हमने निकाला था 6.912। उसमें से माइनस क्या करना हमको, जो पाइप का क्या डिडक्शन ऑफ पाइप वॉल्यूम अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, कितना, 1.478 m³, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.434, और ये हमारे पास था ए बराबर कितना था, 5.76, दोनों को प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 11.194 m³, ठीक है। तो इस पाइप का ये वाला जो है, ठीक है, ये जो हमारे पास कंक्रीट है इसका, ठीक है, इसका हमने कंक्रीट फाइंड कर लिया है, ठीक है, वो कितना आया हमारे पास, 11.194, ठीक है, और इसी को कहते हैं क्रेडल, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।